नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार में बच्चों की मौत के बाद आज आरजेडी का कैंडल मार्च जारी है। ये कैंडल मार्च पटना के कारगिल चौक से शुरू हुआ है और ये जो पटना के गांधी मैदान में ही गांधी बापू गांधी की जो प्रतिमा है वहाँ तक जाएगी। और इस कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे आए हैं, आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता आए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये मौन जुलूस है, जो भी कार्यकर्ता है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाथों में कैंडल लिए हुए हैं। रामचंद्र पूर्वे और आलोक मेहता, उनके साथ तमाम कई आरजेडी के यूथ कार्यकर्ता भी नज़र आ रहे हैं और कुछ महिला कार्यकर्ता जो है आरजेडी की, वो भी तस्वीरों में नज़र आ रही होंगी। ये मौन जुलूस मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से चमकी बुखार से लगातार बच्चों की मौत हो रही है, उसी के खिलाफ आज आरजेडी का मौन कैंडल मार्च है। कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गायब हैं। तेजस्वी यादव के एब्सेंस में आरजेडी ये कैंडल मार्च निकाल रही है। आरजेडी के नेताओं को भी नहीं पता है एग्जैक्टली कि कब तेजस्वी यादव आएंगे। देर से ही सही, बच्चों की मौत लगातार हो रही है, देर से ही सही, पर आज से आरजेडी ने चमकी बुखार को लेकर, या कहें कि चमकी बुखार से जिस तरीके से बिहार में बच्चों की लगातार मौत हो रही है, उसके खिलाफ में, नीतीश कुमार के खिलाफ में आज से अपने सिलसिलेवार आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके बाद 22 जून को आरजेडी जिला मुख्यालय में धरना देगी, तो 23 जून को तेज प्रताप के नेतृत्व में छात्र आरजेडी राजभवन मार्च निकालेगी। एक बार फिर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आरजेडी के कार्यकर्ता मौन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से भी हम बात करेंगे। आलोक मेहता जी, चलिए, ये मौन जुलूस है, रामचंद्र पूर्वे ने इशारा किया है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आप कारवाओं को देख सकते हैं कि ये अभी गांधी मैदान से गुजर रहा है, रास्ते से कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं और कई पैम्पलेट्स भी छपे हुए हैं जिसमें कि साफ तौर पर लिखा हुआ है औरंगाबाद, गया, नवादा, पटना, बिहार के अन्य जिलों में लू से मरने वालों को के प्रति श्रद्धांजलि है। ये जो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से जिस तरीके से बच्चों को मौत हुई है उनके लिए भी ये श्रद्धांजलि है। आगे ये जो कैंडल मार्च है वो गांधी मैदान में जो बापू की प्रतिमा है वहाँ तक जाएगी। अभी मौन कैंडल मार्च हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामचंद्र पूर्वे और आलोक मेहता ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप कैंडल मार्च निकालेंगे। लगातार ये कैंडल मार्च जारी है। बता दें कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं आरजेडी इसको लेकर नीतीश सरकार को जिम्मेदार मान रही है और लगातार ये कहते हुए निशाना साध रही है कि सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था नहीं किया था, इसलिए बच्चों की मौत हो रही है। अगर सरकार व्यवस्था करती तो बच्चों की मौत नहीं होती। और साथ ही मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो भी नाकाफी है। लगातार जिस संख्या में बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है, उस हिसाब से अस्पताल में व्यवस्था नहीं। इसी को लेकर आज आरजेडी का मौन कैंडल मार्च है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फोर नेशन।